नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस स्वदेश में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विशाखापट्टनम रविवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। इसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन समारोह में भाग लेकर नौसेना को सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लखनऊ में हैं। इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की दो तस्वीरें सीएम योगी ने ट्वीट की है। दोनों ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों फोटो के साथ उन्होंने लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपने तन मन अर्पण करके। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक बार फिर झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और राशन के बाद अब रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और फुटवेयर भी महंगे होंगे। दरअसल सरकार ने रेडीमेड कपड़ों, टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पर 5% से बढ़ाकर जीएसटी दरें 12% कर दी हैं, जो कि जनवरी 2022 से लागू होगी। बीएसई सेंसेक्स की टॉप 10 में से 9 कंपनियों के मार्केट कैप में पिछले हफ्ते 1,47,360.93 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के 469 करोड़ रुपए के 2 प्रस्तावों को मंजूरी देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सीतारमण ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी फंड के लिए 269.05 करोड़ रुपए और मुख्यालय भवन के लिए 200 करोड़ रुपए की औपचारिक मंजूरी की घोषणा की है। फ्रांस से लगभग 30 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त कर लेने के बाद भारतीय वायुसेना भारत के विशिष्ट संवर्धन के साथ जनवरी 2022 से फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े को अपग्रेड करना शुरू कर देगी। सरकारी सूत्रों ने यहां बताया कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम फ्रांस से आइस्ट्रेस एयरबेस पर टेल नंबर RB008 के साथ परीक्षण किए गए विमान के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए मौजूद है। सलोनी गौर ने वीडियो में मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और बॉलीवुड सिंगर रेहाना का भी जिक्र किया है। सलोनी गौर ने कंगना रनौत बन कृषि कानून की वापसी पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि कल एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, इतना बड़ा स्टेप कि एक ही स्टेप में 10,000 स्टेप पूरे हो गए हैं। कल कृषि कानून वापस लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया है। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत खुश नहीं है। अब उनकी प्रतिक्रिया से नाराज होकर शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंगना से सुरक्षा ले वापस लेकर अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज कराने की सलाह दी है। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने उनके बयान पर मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो समय अनुकूल नहीं है, लेकिन भविष्य में कृषि बिल दोबारा लाया जा सकता है। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन था और आज वो लखनऊ में चल रहे डीजीपी सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में पुलिस समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा चली है और इसमें पहले शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया था। क्वाड ग्रुप की अगली बैठक 2022 में होगी, जिसकी मेजबानी जापान करेगा। ये क्वाड ग्रुप की दूसरी बैठक होगी जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टीम लीडर हिस्सा लेंगे। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने किसान महापंचायत को सफल बनाने के उद्देश्य से दूर दराज के किसानों को लखनऊ पहुंचने का आह्वान किया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को राज्य की श्रेणी में देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया है। इस मौके पर राज्य सरकार की तरफ से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सम्मान प्राप्त किया। 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में भारत बंद के पहले दिन माओवादियों ने लातेहार और चक्रधरपुर में IED विस्फोट कर रेल पटरी क्षतिग्रस्त कर दी। अब भाकपा माओवादी के बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सीमांत रीजनल कमेटी के प्रवक्ता मानस ने बयान जारी कर 23 से 25 नवंबर तक बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया है। आने वाले समय में दिल्ली में से देहरादून का सफर महज 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, यानी प्लेन से भी कम समय में कार से दिल्ली से दूर और घाटी पहुंच जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को सहारनपुर आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली देहरादून के लिए 2095 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।
चीन इन दिनों कई देश के साथ अपनी दुश्मनी बढ़ाते जा रहा है। कई देशों के क्षेत्रों को ड्रैगन जबरन हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। जमीन से लेकर समुद्र तक में चीन घुसपैठ कर रहा है। ताइवान के बाद दक्षिण चीन सागर में चीन तेजी से हथियाने की मंशा में रणनीति बना रहा है। वर्ल्ड कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कोहली खुद को तरोताजा करने के लिए छुट्टियों पर चल रहे हैं, जहां वो अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और बेटी मामिका के साथ सुकून के पल बिता रहे हैं। विराट ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है माई रॉक, साथ ही उन्होंने दिल की एक इमोजी भी लगाई है। अपने चहेते कपल की तस्वीर का इंतजार कर रहे फैंस को यह सौगात काफी पसंद आई और इस फोटो पर फैंस अपना प्यार खूब बरसा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में चीन सीक्रेट बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका ने चेतावनी जारी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शनिवार को इस मामले में परिचित लोगों के हवाले से लिखा है कि चीन ने संयुक्त अरब अमीरात में एक गुप्त बंदरगाह परियोजना पर निर्माण रोक दिया है, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी को संदेह है कि यह एक सैन्य निर्माण है। एक बार फिर रेलवे की लापरवाही के कारण 1150 यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यात्रियों को ट्रेन में बैठने के बाद बताया गया कि ट्रेन को रद्द कर दिया गया, ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। इसको लेकर यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की है। मामला हटिया स्टेशन का है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी ट्रेन हटिया बैंगलोर कैंट संध्या 6:25 पर खुलनी थी। अचानक स्टेशन पर अनाउंस किया जाता है कि ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस तस्वीर को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर हाथ रख कुछ कदम संग चलना पड़ता है। भारतीय नौसेना की ताकत में आज यानी रविवार को और इजाफा हो गया है। इसी के साथ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भारतीय नौसेना की ताकत देखकर कांपने लगेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसेना को पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत P-15B INS विशाखापट्टनम सौंप दिया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी बीजिंग में 2022 को होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के बहिष्कार करने के बारे में विचार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घोषणा के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भी खेलों के राजनयिक बहिष्कार पर विचार की बात कही है। किसानों ने सरकार की घोषणा पर निर्णय को लेकर बुलाई गई मीटिंग अब 27 नवंबर तक टाल दी है। किसानों की ये मीटिंग अब 27 नवंबर को होगी, जिसमें आंदोलन की दशा और दिशा भविष्य की योजना पर निर्णय होगा। खबर के अनुसार तब तक पहले से निर्धारित कार्यक्रम नियत वक्त पर होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक लखनऊ में होने जा रही महापंचायत भी अपने पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर भारतीय अधिकारियों ने शंघाई जाने वाले मालवाहक जहाज से कंटेनर जब्त किए थे, जिनमें खतरनाक पदार्थ होने की आशंका थी। इसे लेकर अब पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि जब्त किए गए कंटेनर खाली थे। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास अपनी मोहब्बत से लबरेज कविताओं के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मसलों पर बेबाक प्रतिक्रिया के लिए भी जाने जाते हैं। वो पिछले कई सालों से इंटरनेट मीडिया पर खासकर सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपताओं पर जमकर कटाक्ष करते हैं। कवि कुमार विश्वास के इशारों में किए गए कटाक्ष आम लोगों के साथ साथ उनके लाखों प्रशंसकों को खूब भी पसंद आते हैं। यूजी पीजी एमबीए पीएचडी युवाओं के लिए बैंक में जॉब का शानदार मौका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत सिक्योरिटी ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, इकोनॉमिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्तियां होनी है। गोविंदा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को लेकर फैल रही फेक न्यूज के बारे में फैंस को बताया है। गोविंदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके एक एड के खिलाफ फैंस को चेतावनी दी है। इस एड में लिखा है कि गोविंदा के फैंस उनसे लखनऊ में मिल सकते हैं, जो कि पूरी तरह से फेक है। रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर सहित विभिन्न अप्रेंटिस पदों के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट apprenticeship.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत हो सकती है और रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भले ही विवाद से बचने के लिए पान मसाला ब्रांड के लिए एक विज्ञापन से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन यह मुद्दा भी शांत नहीं हुआ है। यह खबर है कि अमिताभ ने पान मसाला कंपनी को एक लीगल नोटिस दिया है, जिसमें टीवी विज्ञापन का प्रसारण तुरंत बंद करने को कहा गया है। अभिनेता को पान मसाला ब्रांड प्रचार के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 10,488 नए मामले आए हैं। इस दौरान देश में 313 लोगों की जान चली गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,389 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या 3,39,22,037 तक पहुँच गई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इरफान ऑफिशियल, निन्नू कुमार, संजन कुमार, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, एसके एंटरटेनमेंट, सोनू, राजमोहन प्रसाद, मोहम्मद फैजान, सचिन कुमार, अर्जुन रजक, अरुण कुमार, प्रकाश सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार 3 कृषि कानून रद्द करने के बाद किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।